उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के कोड़िया गांव में रहने वाले गुलाब यादव रोज सुबह तड़के उठकर अपने मुस्लिम पड़ोसियों के घर जाते हैं। वे उन्हें रमजान के पवित्र महीने में शहरी के लिए जगाते हैं। गुलाब रोज रात में 1 बजे घर से निकलते हैं। वे गांव में घर घर जाकर सभी के घरों पर डंडा बजाकर और नाम लेकर पुकारते हैं कि उठो, शहरी का समय हो गया है। रोजा रखने वालों को शहरी के लिए जगाने के सिलसिले की शुरुआत गुलाब यादव के पिता ने 1975 में की। इनके बाप दादा भी हम लोग को उठाते थे रोजा में, रमजान में। तो अभी इसके जो बाप थे वो खत्म हो गए, फिर इनके बड़े भाई विक्रम यादव वो उठाते थे, फिर वो भी अभी बहुत उम्र हो गई है, बूढ़े हो गए हैं, अभी वो नहीं है, जिसे उनका पैरुख नहीं है, तो अभी उनके भाई गुलाब यादव ये उठाते हैं। गुलाब के रहते गांव के किसी रोजेदार को शहरी के समय उठने की चिंता नहीं रहती, क्योंकि उन्हें पता है कि जब समय होगा तो गुलाब दरवाजे पर दस्तक देंगे। शहरी खाने के लिए जगाने का काम करते हैं रमजान के महीने में। रमजान में इससे क्या लाभ मिलता है? लाभ क्या मिलता है? आवाज मिलला और भाईचारा भी बनल रहला। तो बहुत दिन से जगाते, इनके वालिद साहब जगाते थे, उसके बाद उनके भाई भी जगाते थे, उसके बाद ये भी अब जगाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस परंपरा को निभाए रखने वाले गुलाब के परिवार ने गंगा जमुनी तहजीब की बड़ी मिसाल पेश की है। ये हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच आपसी भाईचारे को दिखाता है।